नमस्कार। वर्तमान समय में हमारा देश विश्व स्तर पर अपनी एक नई पहचान बना रहा है एवं कई बुलंदियों को छू भी रहा है, जिसमें उद्यमियों की अहम भूमिका है। ऐसे उद्यमियों को व्यापार करने में आर्थिक सहायता भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है, जिसका एक माध्यम है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। जी हाँ दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में आप जानेंगे कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम है क्या, इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं और इसके लाभ क्या क्या हैं। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित है चेयरपर्सन EDP व स्टार्टअप सेल तथा लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डीप्रेट डॉक्टर श्रावणी मलिक। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चांदनी जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर श्रावणी मलिक हमसे जुड़ी रहेगी आज शाम 6 बजे तक। तो इस विषय से संबंधित किसी भी प्रकार के सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नोट करें हमारा नंबर। नंबर है 03192244745 और हमारा दूसरा नंबर है 9476046367। तो सबसे पहले मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम है क्या। देखिए, स्टार्टअप इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जी जिसके तहत देश भर में छोटे उद्यमों को जो नवीनतम सोच पे बेस्ड है इनको बढ़ावा देना, ताकि देश में नए रोजगार का सृजन किया जा सके और जी वेल्थ जनरेट किया जा सके। इसके 3 फोकस एरियाज है, जी जिसमें प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, हैंड होल्डिंग ऑफ दी स्टार्टअप जो स्टार्टअप उद्यम है, और जो है फंडिंग सपोर्ट। ये 3 मेजर फोकस एरिया हैं। और इस स्कीम को प्रधानमंत्री ने अनाउंस तो अगस्त 2015 में ही कर दिया था, लेकिन ये फॉर्मली लॉन्च हुआ है 16 जनवरी 2016 को। तो इन 5 सालों में ये स्कीम काफ़ी सफल रहा और हम पूरे विश्व स्तर में इस स्कीम के तहत जो अपना एक पहचान बना पाए हैं, और इसके जरिए देश भर में 40,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप उद्यम जो है सृजित हो चुके हैं, और यूनिकॉर्न कंपनीज, जैसे 30+ यूनिकॉर्न कंपनीज भी एस्टैब्लिश हो चुके हैं। यूनिकॉर्न कंपनीज वो हाई एंड कंपनीज है जिनका जो एनुअल टर्नओवर है 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होता है। तो ऐसे भी उद्यम सेटअप हो चुके हैं इस स्कीम के तहत। तो ये काफ़ी सफल रहा है इन पिछले 5 सालों में। जी, अभी हमने जाना कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम है क्या, लेकिन मैम अब हम ये जानना चाहेंगे कि इनकी क्या-क्या कैटेगरीज हैं और इसे किन-किन वर्गों में बांटा गया है। सी बेसिकली अगर आप कैटेगरीज की बात करें, इसके 3 ब्रॉड कैटेगरीज है: जी सर्विस सेक्टर, स्टार्टअप कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग, और जो प्योर ट्रेडिंग सेक्टर है। ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज है। इसमें जैसे आप सर्विस सेक्टर में आप बोल दीजिए कि रिपेयर सर्विसेज है, कनेक्टिविटी सर्विसेज है, ई कॉमर्स सर्विसेज है, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में तो खैर वो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो इसमें आ जाएंगे। जी और तीसरा जो है प्योर ट्रेडिंग, जैसे कि आप राशन दुकान या कपड़े का बिजनेस, तो जो प्योर ट्रेडिंग है जिसमें आप वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, आप सीधे सामान खरीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं। तो जी ये 3 जो है ब्रॉड सेक्टर्स में आप शुरू कर सकते हैं। फिर इसको सब डिविजन अगर आप करना चाहें, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि किसी ने कोकोनट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप किया तो वो एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो जाता है, बट बेसिकली ये जो है सर्विस सेक्टर के अंदर ही आता है। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज है: सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्योर ट्रेडिंग। जी मैम, अगर इस बिजनेस से कोई युवा या बिजनेसमैन इस स्कीम से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए, आज का जो देश है ये जी डिजिटल युग है, हम भी इस डिजिटल युग में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जी तो आज के डेट में हम ये पैंडेमिक सिचुएशन में भी देखें तो आपका ऑफलाइन मोड, फिजिकल मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। तो सरकार का एक बहुत ही अच्छा पोर्टल है जो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है। जी इसमें जो है युवा कनेक्ट हो सकते हैं, युवा इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, इसमें सारी जानकारियां दी हुई है। तो इसमें से जानकारी लेकर युवा जो है अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकता है। जी मैम, मैम उस वेबसाइट के बारे में हमारे दर्शकों से बताइए मैम कैसे। सी बेसिकली जब कि कोई भी युवा इस स्टार्टअप के तहत जुड़ना चाहता है जी तो इसके 6 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टार्टअप तभी रिकग्नाइज्ड कहलाता है जब वो DPIIT रजिस्ट्रेशन मिल जाता है उसको, मतलब भारत सरकार के पोर्टल में जब वो अपने स्टार्टअप का अप्लाई करके उसको एक सर्टिफिकेशन नंबर मिलता है, एनरोलमेंट नंबर मिलता है, तभी जो है स्टार्टअप रिकग्नाइज्ड कहलाता है। मतलब आप उसको एक एलिजिबल स्टार्टअप के तौर पे आप देख सकती हैं। तो सबसे पहले जो है किसी भी उद्यम या कोई भी युवा अगर चाहता है कि स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले उस
उसका स्टार्टअप आइडिया को उसको रजिस्टर कराना होता है, मतलब एनरोल योर बिजनेस. एनरोल योर बिजनेस अगर हम कहते हैं तो उसको इधर एक पार्टनरशिप ओपन करना होता है या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना होता है या फिर एक लिमिटेड लाइबिलिटी LLP जिसे हम कहते हैं एक LLP बनाना होता है. ये तीन जो है उसको एक फॉर्म करना होता, तीनों में से कोई भी एक फॉर्म करना होता है. ये फॉर्म करने के बाद उसको जो है ऑनलाइन इस स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे अप्लाई करना होता है. स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद उसको जो है एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है. इनकॉर्पोरेशन सपोर्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि कहाँ से उसको फंडिंग मिलेगा, बैंक लोन से या किसी ने उसको स्पॉन्सर किया है या कोई वेंचर कैपिटल है जो उसको सपोर्ट करना चाह रहा है, तो ये एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है. चौथा स्टेप होता है कि आपको अगर टैक्स एग्जेम्पशन की आप मतलब सोच रखते हैं कि आपको सरकार से टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट चाहिए होता है तो वो चौथा ऑप्शन भी आपको डालना होता है. पांचवा ऑप्शन है कि सेल्फ अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो उसको जो है अपना डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करना होता है. एंड लास्ट वन इज ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर. तो ये सारे प्रोसेस जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपको सरकार, भारत सरकार द्वारा एक नंबर दिया जाता है, तभी आपका स्टार्टअप जो है रिकग्नाइज्ड होता है. और मैं एक बात यहाँ पे बता दूं कि आप अगर कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं, मतलब आपको बड़े ही ध्यान से बहुत केयरफुली सारे इन्फॉर्मेशन को अपलोड करना होता है, अदरवाइज जो है आपको 25,000 तक का फाइन जो है देना पड़ सकता है. इसीलिए युवाओं से मैं मतलब खासतौर पे कहना चाहूंगी कि काफी ध्यानपूर्वक बहुत केयरफुली और सटीक जानकारी जो है पोर्टल में अपलोड करें. तो इसके लिए आप पहले स्टडी करें पोर्टल को. पोर्टल में सारे FAQs सारे ऑप्शंस के बारे में काफी विविध जानकारी दी हुई है. तो पोर्टल को विजिट करें, startupindiaportal.gov.in. इस पोर्टल को विजिट करने से आपको सभी जानकारियां मिलेंगी. और जब आपको लगता है कि हाँ आप परिपक्व हो चुके हैं कि हाँ मेरे पास सारे इन्फॉर्मेशन रेडी हैं और मैं सारे स्टेप बाय स्टेप जो मैंने प्रोसीजर बोला इसके लिए मैं तैयार हूँ, तभी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं. जी, startupindia.gov.in. यस, startupindia.gov.in. इस पोर्टल की सहायता लेकर जो है हम स्टार्टअप इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं. जी जी, लेकिन मैम हम ये जानना चाहेंगे कि भारत सरकार द्वारा ये जो स्कीम चलाई जा रही है इसका लाभ कौन कौन उठा सकते हैं? ये देखिए, ये कोई भी युवा जो एक इनोवेटिव आइडिया रखता है, भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया है कि आज का जो युवा है या युवाओं में, जैसे आप एड में भी देखती होंगी उषा उत्थुप का या कपिल देव जी का जो एड आता है कि छोटे बच्चों में, युवाओं में जो आइडिया स्पार्क बहुत होता है, मतलब नवीनतम आइडियाज बहुत होते हैं, तो ये जो आइडियाज है इनको चैनलाइज करने के लिए, युवाओं का जो एनर्जी है, जो सोच है, जो तकनीक के साथ जुड़ने की जो उनकी क्षमता है, जो शायद एक एक स्टेज के बाद मतलब वो उतना नहीं रहता है, बट युवाओं मतलब द यूथ जो है वो टेक्नोलॉजी से काफी जल्दी जुड़ जाते हैं. तो ऐसे कोई टेक्निक को यूज करके अगर कोई भी इनोवेटिव आइडिया युवाओं के मन में आता है तो उसको जो है एक उद्यम में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है ये स्टार्टअप इंडिया का आप बेनिफिट ले सकते हैं. तो किसी भी युवा के मन में अगर कोई सोच है और इसको जो है वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एक उद्यम पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता है, तो उसको जो है एक प्रपोजल बनाना है कि ये बिजनेस को, ये आइडिया को मैं ऐसे बिजनेस में रूपांतरण कर सकता हूँ, ये सोच होना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए एक प्रपोजल जैसे उसको बनाना है, एटलीस्ट फर्स्ट हैंड प्रपोजल बनाना है. किसी भी तरह का अगर उनको जो है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हेल्प चाहिए तो किसी चार्टर अकाउंटेंट से जुड़े, वो शायद उनको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जानकारी दे पाएंगे. तो द मोमेंट वन यंग पर्सन इज रेडी विद दिस आइडिया और जिसका कंपनी जो है, जिस एनुअल टर्नओवर जो है 100 crore rupees से ज्यादा नहीं है एनुअल टर्नओवर किसी भी छोटे उद्यम का, वो इस स्टार्टअप इंडिया के तहत जुड़ सकता है. एनुअल टर्नओवर कोई भी छोटे उद्यम का 100 crore rupees से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो ऐसी कंपनी जो इससे नीचे है, तो मतलब छोटे उद्यम जो है वो स्टार्टअप इंडिया के तहत जो है बेनिफिट और इसका लाभ उठा सकते हैं. जी जी, लेकिन मैम ऐसा होता है ना, कभी कभी बिजनेस शुरू करते हैं, किसी के पास पैसे नहीं रहते हैं, आइडियाज रहते हैं लेकिन पैसे नहीं, यानी कि बिना पैसे 0% मनी से अपनी बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा राधिका जी आपने. देखिए, सबसे पहले इस स्टार्टअप इंडिया से जुड़ने के लिए आइडिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड से. तो आइडिया के साथ साथ आप आज के डेट में जो आपको इन्वेस्ट करने के लिए, देर आर वेंचर कैपिटल कंपनीज, देर आर एंजल इन्वेस्टमेंट कंपनीज और बैंक्स भी जो है आपको लोन प्रोवाइड करते हैं. जैसे बैंक में आज मतलब प्रचलित एक स्कीम है जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम है, ये बैंक के तहत है. तो इसमें बैंक्स जो है, जो ऐसे युवा हैं जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं विदाउट एनी कैपिटल, उनको करीब करीब मैं 5 लाख
तक के जो है लोन में उनको कोई भी जो है कोलैटरल यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रखना होता, तो वो बैंक okay. लेकिन ये जो मैंने 5 लाख रुपीज़ बताया ये अलग अलग नेशनल बैंक के लिए अलग अलग एक मतलब लिमिट बनाया गया है, तो वो कुछ कुछ बैंक्स के लिए अलग हो सकते हैं, बट बैंक से जुड़ सकते हैं आप. वेंचर कैपिटल्स ऐसे कंपनीज है जो जो वेल ऑफ जो काफ़ी बड़े कंपनीज हैं और जो चाहते हैं कि ऐसे कोई नवीनतम आइडिया है आए जिनमें वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों से अप्रोच कर सकते हैं. देन एंजल इन्वेस्टमेंट कंपनीज है जिनसे युवा अप्रोच कर सकते हैं और जिसके जरिए जो है वो फंडिंग सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि फंडिंग सपोर्ट भी एक बड़ा फैक्टर है स्टार्टअप इंडिया के तहत. तो ऐसे कई कंपनीज है जो इस पोर्टल में भी आप विजिट करेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी. तो ऐसे कंपनी से आप जुड़ सकते हैं या फिर सीधे ही बैंक से आप जुड़ सकते हैं जहां जो है आप लोन्स के जरिए अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं. जी मैम, मैम आमतौर पर देखा जाता है कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है न्यू आइडियाज़, प्लान्स और इनोवेशन को बढ़ावा देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसा सोचते हैं बिजनेस को लेकर वैसा होता नहीं है, हमारे प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में स्टार्टअप इंडिया स्कीम इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करता है और इसका सामना कैसा करता है मैम? जी देखिए, मैंने जैसे कहा कि इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम के 3 फोकस एरियाज़ हैं. एक तो जो है आपका प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, दूसरा हैंड होल्डिंग. तो भारत सरकार ने ऐसे कई विभागों को आइडेंटिफाई कर रखा है जो ऐसे युवा जिनके पास आइडिया है और जो अपने आइडिया को बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं उनको हैंड होल्ड करते हैं कि कैसे आप रजिस्टर करें, किस कंपनी से. जैसे मैंने बोला 3 तरह की कंपनी आप फॉर्म कर सकते हैं, वन इज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरा पार्टनरशिप और तीसरा जो मैंने आपको बोला LLP बेस्ड कंपनीज. तो इसमें पार्टनरशिप जो है द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपनी है जो आप एक या दो लोग मिलकर, आप दो दोस्त मिलकर शुरू कर सकते हैं. तो यहाँ पर जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है, एनिटको है या डीब्रे, जैसे हम इंजीनियरिंग संस्थान हैं, हम आइडियाज़ को आगे ले जाने के लिए भी हम मदद करते हैं. तो ऐसे कुछ एजेंसीज हैं जो युवाओं को बहुत स्ट्रांगली हैंड होल्ड करते हैं ताकि आप अपने इनोवेटिव आइडिया को एक उद्यम में ट्रांसफॉर्म कर सकें. जी मैम, एज एन इंजीनियरिंग कॉलेज तो स्टार्टअप इंडिया को लेकर इसके तहत क्या काम चल रहे हैं और इसके लाभ हमारे युवा कैसे उठा रहे हैं मैम, इस बारे में बताइए. जी जैसे मैंने कहा कि इस स्टार्टअप इंडिया का जो मेन एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है. मतलब उद्योग विभाग जो है ये मेन एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट है. बट आपको ये समझना होगा कि इनोवेटिव आइडियाज आएंगे कहाँ से. इनोवेटिव आइडियाज का सृजन होता है लैब्स में. तो बीइंग द ओनली इंजीनियरिंग कॉलेज इन दीज आइलैंड्स, हम जो है फीडर का काम करते हैं कि बच्चे जो है लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, जो नई नई नवीनतम तकनीक जो सीखते हैं उसके ज़रिए उनके दिमाग में जो आइडियाज़ आता है या वो जो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं, वो जो आइडियाज़ आता है वही आगे जाके आपका एक स्टार्टअप या छोटे उद्यम में कन्वर्ट होता है. और इसके लिए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट कई ऐसे प्रोग्राम्स चलाते हैं बट दे डोंट डू इट इन साइलोज, मतलब अलग से नहीं करते. दे टेक ऑल दी प्रोग्राम्स इन एसोसिएशन विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो यहाँ है, और खासकर क्योंकि तकनीकी इंस्टीट्यूशन है तो हम उनको जो है एकेडमिक्स एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और पार्टिसिपेंट्स जो बच्चे यहाँ से जो निकलते हैं, जो पास आउट्स है या जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है जिनके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं जिनको हम कन्वर्ट कर पाते हैं, तो एज ए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन वी ऑलवेज सी टू इट कि हम जो है इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम को प्रमोट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एनिटको और बैंक्स के साथ जो है हम इसका जो बेस है, जो प्लेटफॉर्म है, हम प्रोवाइड कर सके. इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी जो है एक अंडमान निकोबार इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप हो रहा है जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और एनिटको के जरिए हो रहा है. तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने एनिटको को 1 करोड़ का एक फंडिंग दिया है उनको, ताकि वो एक इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप कर सके. इंक्यूबेशन सेंटर वो है कि जहाँ पे आपके पास एक आइडिया है वो आइडिया इंक्यूबेट होगा. दैट मीन्स वो आइडिया को आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे और जहाँ आपको लगता है कि आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेडी है, यू कैन गो अप टू अ स्टार्टअप, स्टार्टअप टू स्केल अप. मतलब आप इंक्यूबेटर से स्टार्टअप, स्टार्टअप टू स्केल अप, मतलब उस कंपनी को आप आगे बढ़ा सकते हैं. तो एनिटको, क्योंकि हम एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, एनिटको ने हमको जो है करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 84 लाख का फंड, मतलब वी आर इन द प्रोसेस टू गेट दैट फंड. तो इस फंड के जरिए जो है हम नवीनतम टेक्नोलॉजीज पे, जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है इस पे जो है लैब सेटअप कर रहे हैं. जैसे मैं आपको बता दूँ, डेटा साइंस है, IoT है, AR/VR ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जो आप ये ट्रांसफॉर्मर मूवीज वगैरह जो देखते हैं जिसमें आप देखते हैं कि जो 3D, 6D, 5D व्यू जो देखते हैं, तो ये सब जो ऑगमेंटेड रियलिटी, जो वर्चुअल रियलिटी में जो आप जो स्मार्ट ग्लासेस वगैरह लेके जो देखते हैं ना, हम जैसे कोई समुद्र का म्यूजियम पे आप यू गेट एन इमर्सिव लुक.
सो ऑल दोज थिंग्स, इस तरह के जो एप्स है या सॉफ्टवेयर्स है, ऐसे अगर बच्चों के पास आइडिया है तो दे कैन अप्रोच डीब्रेट, क्योंकि ये इंक्यूबेशन लैब वी आर इन द प्रोसेस, फंडिंग सपोर्ट भी मतलब करीब करीब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में ही है. तो वी आर डेवलपिंग एन अंडमान निकोबार इंक्यूबेशन सेंटर, जो इस स्टार्टअप इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होगा इन विपो में इसको और आगे बढ़ाने के लिए. जी मैम, वीपो में स्टार्टअप इंडिया के तहत रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या हैं? देखिए, रिसेंट डेवलपमेंट्स ये हैं, इसमें बहुत स्ट्रांगली जो है अंडमान चेंबर ऑफ कॉमर्स भी काम कर रहा है, जैसे एक पिच इवेंट कराया, हैकाथॉन इवेंट्स जो अंडमान निकोबार पुलिस डिपार्टमेंट भी करा रहा है. देन कई सारे वर्कशॉप, जैसे आप कह रही थी कि बहुत युवा चाहते हैं कि उद्यम स्टार्ट करें, लेकिन एक स्टेज में जाकर उनको लगता है कि शायद हमको दिशा निर्देश सही नहीं मिल रहे, हमको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है. तो ऐसे जो कार्यक्रम है, जो सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स है फॉर फॉस्टरिंग इनोवेशन इकोसिस्टम इन दीज आइलैंड्स, ये कई सारे वर्कशॉप्स हमने करवाए. फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन पे हमने करवाया. देन हमने कुछ इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स ऐसे कराए जिसमें जो ऐसे स्टार्टअप जो पोटेंशियल स्टार्टअप्स है वो अपना आइडिया प्रेजेंट करे आके, और जहाँ पे लगता है कि ये आइडिया फिजिबल है टू कन्वर्ट इनटू अ स्टार्टअप, उसको जो है अंडमान चेंबर ऑफ कॉमर्स या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और एज ए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हम लोग जो है उसको टेक्निकली सपोर्ट करके उसको आगे तक लेके जा सके. तो इसके लिए हमारा जो एकेडमिक नेटवर्किंग है, सो बेसिकली एज अ इंजीनियरिंग कॉलेज टू फॉस्टर द इनोवेशन वी विल डू जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज पॉइंट ऑफ व्यू है. तो इसके लिए हम जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे IITs हैं या जो सेंट्रल रिसर्च लेबॉरेटरीज हैं, उनके साइंटिस्ट या उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स के जरिए भी हम कोशिश करते हैं कि इनको जो है टेक्निकल हैंड्स ऑन पे हम जो है मदद प्रोवाइड कर सके. साथ ही जो देश में एक EDI एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो EDII अहमदाबाद प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो ये एंटरप्रेन्योरशिप को ही बढ़ावा देता है, तो उनके जरिए भी हमने वेबिनार्स वगैरह कराए हैं, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है, तो वेबिनार वगैरह भी कराए हैं ताकि द्वीपों के जो युवा हैं वो इससे सेंसिटाइज हो सके और इसके बारे में और अधिक से अधिक जानकारी ले सके. तो ये काफी कार्यक्रम अभी कुछ समय में हुआ है. जी मैम, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो युवाएं हैं यहाँ हमारे द्वीप समूह के, उनको जागरूकता करने के लिए इस स्कीम के लिए क्या किया जा रहा है मैम? जी, अभी जैसे मैंने बोला कई कॉम्पिटिशन से पिच इवेंट्स, पिच मतलब आप समझिए कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आपके पास किसी भी तरह का आइडिया है, सर्विस सेक्टर्स आइडिया है, टेक्निकल आइडियाज है. तो जैसे यहाँ पे आज के डेट में हमने देखा है कि आज द्वीपों में 20 स्टार्टअप्स जो है वो DPIIT रजिस्टर्ड है. तो ऐसे स्टार्टअप्स जब तक अपने आप को रजिस्टर नहीं करते हैं, मैं बता दूं युवाओं को, आपको कोई भी फिनेंशियल या फिस्कल बेनिफिट्स नहीं मिलेगी. तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आपके पास अगर आइडिया है, ट्राई टू फॉर्मुलेट इट इन टू अ बिजनेस प्लान एंड इमीडिएटली आप जो है स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे आप अपने आप को रजिस्टर करें और उस प्रोसेस को कंप्लीट करें. तो सबसे पहले आप जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, वहां पे 1-to-1 पर्सनल मेंटरिंग भी करते हैं. आपके पास अगर कोई भी आइडिया है और जहां लगता है कि आप कहीं फंस रहे हैं, यू कैन विजिट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज टू शेयर योर प्लान, और वहां पे आपको वो 1-to-1 मेंटरिंग करके पर्सनली हैंड होल्ड करते हैं. और हम जो है सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप वगैरह कराते रहते हैं, जो हम डेली टेलीग्राम्स और ऑल इंडिया रेडियो में के जरिए हम प्रसारित करते हैं, मतलब प्रचार प्रसार करते हैं. तो उससे भी आप जो है ऑनलाइन जुड़ सकते हैं. तो आज युवाओं के लिए काफी सिंपल है जुड़ना ऑनलाइन, क्योंकि आपको फिजिकली मूव करने का, आप जहां भी हैं, कहीं काम कर रहे हैं, घर पे हैं, तो वहीं से आप सीधे जुड़ सकते हैं ताकि इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सके. जी, शुरुआती तौर पर जिसे हम इनिशियल फेज कहते हैं, किसी भी काम को शुरू करने के लिए हमारे पास फंड की बहुत जरूरत होती है, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वर्कफोर्स या फिर मैन पावर की जरूरत होती है. तो ऐसे में बिजनेसमैन कैसे निजात पा सकते हैं अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, तो कैसे अपने काम को बढ़ा सकते हैं? देखिए, आप छोटे बहुत आज के समय में आप छोटे फंड से ही आप शुरू कीजिए. तो या तो आप अपने दोस्तों से या परिवार से आप अप्रोच कर सकते हैं जहां आपको थोड़ा फंडिंग सपोर्ट मिले, या फिर आप वेंचर कैपिटल ऐसे कंपनीज से आप जुड़ सकते हैं जो ऐसे आइडियाज को सर्च करते हैं कि हम कहाँ जैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. जैसे आपने ये देखा, ये कोविड में ये स्पेशल मास्क बनाते हैं जो अपने आप को कूलिंग दे सके, सेल्फ सैनिटाइजेशन जो गियर होता है जो डॉक्टर्स वगैरह पहनते हैं वैसे. तो ऐसे अगर आइडियाज हैं आपके पास, सो देयर विल बी अमटीन नंबर ऑफ कंपनीज हु विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट ऑन यू, जो आपके आपके ऊपर पैसा लगाना चाहते हैं.
तो ऐसे जो एंजल इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, वेंचर कैपिटल से आप गूगल कर सकते हैं, तो ऐसे कई कंपनीज जो है नेट पे पड़े हुए हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा. देन इन्वेस्ट इंडिया जो एक बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इन टैंडम काम कर रही है, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ जुड़कर युवाओं को ये जानकारी देती है कि कहाँ से आप फंडिंग सपोर्ट ले सकते हैं. और बैंक जैसे सेबी है, ये नेशनल, ऑल नेशनल बैंक्स आर देयर टू प्रमोट स्टार्टअप्स. और स्टार्टअप के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जैसे आपको टैक्स एग्जेम्पशंस वगैरह देते हैं, जीएसटी में एग्जेम्पशंस, आप 3 साल तक जो है टैक्स एग्जेम्पशन पा सकते हैं. और इनिशियली 7 से 10 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट करता है, जब तक आपका टर्नओवर जो है, जैसे मैंने बताया कि 100 करोड़ से ज्यादा एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं हो रहा. तो ऐसे में युवाओं को जो है इस स्कीम से जुड़ना है, अधिक से अधिक जानकारी लेना है. ये विभाग जो इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है, आपका एनिटको है, बैंक्स है, या जैसे हम इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ के आप जो है रीडायरेक्ट हो सकते हैं कि कहाँ से आपको क्या जानकारी मिल सकती है और फंडिंग सपोर्ट भी कहाँ मिल सकता है. लेकिन आप जो है ये एंजल इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, वेंचर कैपिटल से आप नेट पे विजिट करेंगे तो आपको काफी कंपनीज मिल जाएंगे. जी, स्टार्टअप बिजनेस को बढ़ाने के लिए कौन कौन से विभाग जो है जुड़े हुए हैं, प्रत्येक विभागों की भूमिकाएं इस बारे में भी जरा बताइए. ये देखिए, सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि उद्योग विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज का ये मैंडेट है कि द्वीपों में, पर्टिकुलरली मैं द्वीपों के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं, द्वीपों में जो है स्टार्टअप्स को बहुत हाई लेवल पे ले जाना है. एंड वी हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल. ये जो है उद्योग विभाग से आप फर्स्ट हैंड आप जो है सीधे ही उद्योग विभाग से जुड़िए और आपको किसी भी तरह की जो बेसिक जानकारियां हैं आप उससे ले सकते हैं. प्लस इसके तहत जो आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं वो वहीं से आपको रिडायरेक्ट कर देते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी विभाग से या जो भी आपके डिपार्टमेंट है जो आपको अलाइड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे आपका एंटरप्रेन्योरशिप को सेटअप करने के लिए, तो वो वहां से आपको रिडायरेक्ट कर देते हैं. बैंक्स को भी आप फैसिलिटेट करते हैं. इवन मैं तो ये भी बोलूंगी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जो है आपको एक कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ भी हैंड होल्ड करता है कि आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू जो जानकारी है वो बेहतर आपको गाइड कर पाएंगे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है कि किस तरह की कंपनीज हो, कितना इन्वेस्टमेंट हो, कितने लोगों का कंपनी हो, किस कंपनी में आपको ज्यादा फायदा है, पुराने बिजनेस है तो उसको आप कैसे स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इस तरह की जानकारी जो है सर्टेनली आप डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़ेंगे तो युवाओं को काफी फायदा मिल सकता है. जी मैम, मैम भारत में सबसे अच्छे स्टार्टअप्स कौन से हैं और इससे हम नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, मैं आपका इस सवाल को थोड़ा सा दूसरे तरीके से मैं कहना चाहूंगी कि स्टार्टअप जो है रोजगार सृजन के लिए है. जी, मैं एक स्टार्टअप सेट करती हूँ, मैं और 4 लोगों को रोजगार देती हूँ, ये कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. आज के डेट में वो जो कॉन्सेप्ट था कि हम सभी सरकारी नौकरी के पीछे होड़ लगाकर भाग रहे हैं, वो शायद वो माइंडसेट अब युवाओं में चेंज हो रहा है. नाउ मतलब यूथ, द यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लुक फॉरवर्ड मोर फॉर एन एंटरप्रेन्योरशिप काइंड ऑफ बिजनेस, ताकि वो खुद कमा सके, अपने तरीके से कमा सके और 4 लोगों को और सपोर्ट कर सके. तो रोजगार सृजन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है. तो आप जो है अपने आइडियाज को कन्वर्ट कीजिए और उसको एक रोजगार में, खुद पहले तो खुद कन्वर्ट होइए और फिर 4 लोगों को रोजगार दीजिए. और बेस्ट कंपनीज अगर मैं कहूँ, आपने जैसे पूछा, आपका अर्बन क्लैप है, जोमैटो है, स्विगी है, आपका पेटीएम है, पे थ्रू मोबाइल, इस तरह के जो एप्स है वो काफी अच्छे कंपनीज है. जैसे यूनिकॉर्न कंपनीज मैंने कहा जिनका एनुअल टर्नओवर जो है $1 बिलियन से ज्यादा है. तो ऐसी कंपनीज है जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स इन दी कंट्री है. जी मैम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम से जुड़ने के लिए हमें किन प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए? अच्छा, तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को कंपनी एक्ट पे आपको रजिस्टर करना है. मतलब आपको एक पार्टनरशिप फॉर्म करना है और फिर आप एलिजिबल होते हैं स्कीम से जुड़ने के लिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. प्लस आप जो है आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको फंडिंग कहाँ से मिलेगा. आप अपना एक बिजनेस प्रपोजल बनाइए कि आज आप अगर शुरू करते हैं तो आज से 3 साल बाद आपका प्रॉफिट क्या होगा, आपका जो है कैपेक्स ऑपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या होगा, क्या इक्विटी शेयर होगा आपके पार्टनरशिप के बीच में. तो ये सारे पहलुओं को देखते हुए आप एक बिजनेस प्रपोजल फॉर्म कीजिए और इस बिजनेस प्रपोजल के जरिए आप अप्रोच कीजिए जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स को अप्रोच कीजिए. तो द मोमेंट यू गेट एन इन्वेस्टर्स और आपको, या फिर कोई इंक्यूबेटर से जुड़िए, जैसे हमसे, हम जैसे इंक्यूबेशन सेंटर की बात कर रहे हैं, कोई रजिस्टर्ड इंक्यूबेटर से जुड़िए जो आपको एक रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट देगा कि यस दिस पर्टिकुलर आइडिया और दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ
रजिस्टर्ड स्टार्टअप, तो ये सर्टिफिकेट आपको ऑब्टेन करने के बाद ही आप जो है स्टार्टअप इंडिया से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थंब रूल अगर मैं कहूँ तो आपको जो है एक कंपनी फॉर्म करना है, इधर पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एन LLP। जी, लेकिन मैम अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे यदि हम इस स्कीम से जुड़ जाते हैं तो यहाँ से कुछ कोर्स ऑफर्ड होते हैं या फिर यहाँ से कुछ उस कोर्स के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है? जी, कोर्स जैसे अभी हमने 3 दिन का वेबिनार कराया जिसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, हैंड होल्डिंग ऑन टेक्निकल इश्यूज, तो काफ़ी युवा जिनका जो इमर्जिंग ट्रेंड्स पे काफ़ी डाउट्स थे उन्होंने 1-to-1 पर्सनली ऑनलाइन जो है वो सीधे ही एक्सपर्ट से जुड़ के उन्होंने वो किया। और हाँ, पहले जो सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप कराते थे हम सर्टिफिकेट्स का बहुत नहीं देख रहे थे, बट हमें लगा कि ये सर्टिफिकेट जो हम देंगे युवाओं को ये काफ़ी माइलेज देगा। तो जी हाँ, जो भी वर्कशॉप्स ऑन टेक्निकल ट्रेंड्स, ऑन सेंसिटाइजेशन, ऑन फंडिंग सपोर्ट, इसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इस सर्टिफिकेट के जरिए ऑफकोर्स आपका युवा जो है इक्विप होता है और वो आगे उसको प्रेजेंट कर सकता है कि हम जो है इसके बारे में इतने जागरूक है और इतना हमने कोर्स किया है, तो डेफिनेटली जो है उसको इससे फायदा मिलेगा। हाँ, सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और ये वैध है मैम? देखिए, वैध तो आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दे रहा है तो वैध है ही। जी मैम, मैम आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, मैम जो फ्रेशर्स है, जो युवा है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, और आप उन्हें प्रेरित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे क्योंकि भारत सरकार ये बहुत स्ट्रांगली इस पॉलिसी को, इस स्कीम को मूविंग फॉरवर्ड ले जा रहा है, तो इसके साथ ही अंडमान निकोबार प्रशासन भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ एंड एवेन्यूज़ युवाओं को दे रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि युवाओं से अर्ज करूँगी कि ये इस स्कीम के तहत जुड़े जो भी संबंधित विभाग है उनके पास जाए, ज़रूरी जानकारियाँ लें। और हम जो ये इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आपके पास कोई भी नया आइडिया या नई सोच है, एनी इनोवेटिव थिंग यू हैव इन योर माइंड, डू शेयर एंड उसको जो है लैब तक ले जाइए। मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि उसको लैब तक ले जाइए और उसको जो है एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कीजिए, ताकि जो है आप उसको जो है एक स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सके। तो आइडियाज़, यस आइडियाज़ आर देयर, आपको जो है उस आइडियाज़ को कॉन्क्रीट पॉइंट ऑफ व्यू में देखना है और उसको एक बिजनेस प्रपोजल में कन्वर्ट करना है। और ये संबंधित विभाग जो इस तरह की जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि विपो में जो है इस तरह का, क्योंकि हम बहुत पहले जैसे बहुत नहीं सोचते थे यहाँ पे उद्यम विकास जो है, लेकिन आज जो है युवाओं को इन स्कीमों का, इन जो भी प्रपोजल्स हैं इसका फायदा उठा के रोजगार सृजन करना है और विपो को देश भर में आगे लेके जाना है। जी मैम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और विषय से संबंधित ढेर सारी जानकारियां दी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद चांदनी जी, दर्शकों को भी मेरा धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। यदि इस कार्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव आप हमें भेजना चाहते हैं तो नोट करें हमारा पता, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट प्लेयर, AIR रोड दिलानीपुर, हेड पोस्ट 744102, और हमारा ईमेल आईडी है hopddkportplayer@gmail.com। नई सोच, दृढ़ संकल्प और उचित मार्गदर्शन से ही हर व्यक्ति अपने जीवन में सही मुकाम और उचित मुकाम हासिल कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम से आप बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी, और इसी आशा के साथ अब आपसे हम इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।